स्टूडेंट्स आज हम क्लास नाइन्थ के फिजिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें हमारे पास चिप्टर नंबर टू का क्वेश्चन नंबर एट है तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है इज़ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप वट इज़ हैपनिंग टू इट्स एक्सेशन डज इट इंक्रीज डिक्रीज आर दे स्टे द सेम ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ रही हो तो इसके एक्सेलेशन के साथ क्या होता है क्या ये इक्रीज होती है क्या ये डिक्रीज होती है या इसी तरह सेम रहती है आपने ये बताना है तो चलिए आंसर देखते हैं इन दबसेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज़ फॉलिंग टूवर्ड अर्थ विद कांस्टेंट एक्सेलेशन जब हम एयर को हटा दे यानी एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दे तो जितनी भी बॉडीज़ ऊपर से नीचे आती हैं तो वो हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है यानी इसकी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होती कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ये नीचे आती है अब ये देख लें सो फॉर फ्री फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द स्पीड ऑफ द बॉडी इनक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कहता है कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे आती है तो इसकी स्पीड ना कि एक्सेलरेशन स्पीड जो है वो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ़्तार से जो है वो बढ़ती है इसकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहती है और इसकी स्पीड बढ़ती है दस द एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज़ बट रिमेन कांस्टेंट तो इससे हमें पता चलता है कि फ़्री फॉल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो ना बढ़ती है और ना कम होती है बल्कि कांस्टेंट रहती है दैट इज़ वी टेक जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट वीलियो फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट तो जितने भी हमारे पास फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्र ही रहती है. होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकान जरूर दबा लें मिलते हैं